भाई बहन के प्यार का पवित्र पर्व रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पड़ेगा और इस दिन की खास बात यह है कि सावन का अंतिम सोमवार भी इसी दिन है। यह संयोग रक्षाबंधन के महत्व को और बढ़ा देता है क्योंकि सावन का सोमवार और भाई बहन के रिश्ते का यह पर्व दोनों ही प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर एक विशेष खगोलीय स्थिति भी बनी है जिसे ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया दोपहर 1:24 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, इसलिए राखी बांधने के लिए इस काल के समाप्त होने का इंतजार करना आवश्यक है। रक्षाबंधन जो है ये भाई बहन के प्यार का, प्रेम का ये संदेश है। बहनें जो हैं भाई के दीर्घायु के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए उनको कोई विघ्न बाधा न हो, तो एन बद्धो बली राजा दानवेंदो महाबल ना, इस मंत्र के द्वारा जो है अपने भाई की कलाई पर जो है रक्षा बांधती हैं ताकि वो दीर्घायु हो और उनके अंदर कोई कष्ट और बाधा न आए, इसलिए रक्षा बांधा जाता है। भद्रा के समाप्त होने के बाद दो शुभ मुहूर्त इस रक्षा बंधन को और भी खास बना रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:26 से 3:32 तक है। इस समय में भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से रिश्ते में और मिठास बढ़ती है और साथ ही भाई के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दूसरा शुभ मुहूर्त शाम को प्रदोष काल के दौरान रहेगा। शाम 5:32 से लेकर 6:55 तक का समय भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस समय में राखी बांधने से भाइयों को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और उनके भाग्य का उदय होता है। इस रक्षा बंधन भद्रा काल के समाप्त होने के बाद सही मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधकर भाइयों को सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद दिया जा सकता है। इस विशेष दिन पर भाइयों की रक्षा का संकल्प लेकर बहनें उन्हें दीर्घायु और सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देती हैं। इस रक्षा बंधन रिश्तों की इस अनमोल डोर को और भी मजबूत करें। सही समय का ध्यान रखते हुए भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और उनके जीवन को खुशियों से भर दें। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।